इस समय हम मुंबई के सी वार्ड में हैं, जहां पे के हमारे साथ में वार्ड नंबर 222 की नगर सेविका रीता मकवाना जी हैं, जो के भाजप से नगर सेविका है। मैं रीता मकवाना जी से सवाल करना चाहूँगा। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से 5 साल का आपकी नगर सेविका का कार्यकाल रहा, तो क्या कुछ चुनौतियाँ रही आपके चुन के आने के बाद में आपके क्षेत्र में? सबसे पहले ये मेरा फुल रेजिडेंस एरिया है और पार्टली व्यापारी एरिया है जी। यहाँ पे झूनी इमारतें बहुत है, इसकी वजह से हाउस गली जो और ड्रेनेज लाइन, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक एपी मार्केट का इश्यू था जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, वो एक बड़ा इश्यू है। तो ऐसे जो डे टू डे पानी, पीने का पानी का टाइम कम, ये भी लोगों को, हाल में तो BST की लाइटें भी बहुत जा रही है, तो काफ़ी चुनौती। और सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे कार्यकाल में 2 साल हमने COVID-19 से हम लोग जूझे, एरिए में पूरा कोविड के केसेस कैसे कम हो। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि सेकंड लोएस्ट हमेशा सी वार्ड में रहा है कोविड केसेस, क्योंकि हमारा सैनिटाइजिंग और यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो एक अवेयरनेस यहाँ पर थी। मैम, अगर मैं बात करूँ, जब आप पहली बार चुन कर आई, जिस तरीके से आपने कहा हाउस गली, ड्रेनेज लाइन, इन सारी समस्याओं को सुलझाना पड़ा आपको, तो मैम किस हद तक समस्याएं सुलझ चुकी हैं और किस हद तक अभी भी पेंडिंग है जिसे सुलझाना बाकी है? जब तक ये जूनी बिल्डिंगें रहेगी और एक प्रॉपर अभी हाउस टू हाउस कलेक्शन है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ये समस्या सुलझाने में थोड़ा तो समय लगेगा। लेकिन हमारी बहुत कोशिश है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों में भी थोड़ी जागरूकता आई है, तो धीरे धीरे हम लोगों को इस अवेयरनेस की तरफ लेकर जाएंगे। और स्वच्छता, खास करके यहाँ पे स्वच्छता की जो बात है, तो वो हम पहले करेंगे। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक के लिए भी हमने बहुत बार वरिष्ठ लोगों से बातचीत की है, लेकिन व्यापारी एरिया है तो, और बहुत पुराना एरिया है सीवोड़, यहाँ के रोड एकदम नैरो है, तो ट्रैफिक की समस्या रहने ही वाली है। मैम, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आपके क्षेत्र में आपने बताई क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, तो मैम जो कोविड काल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कोविड का जो समय था, विश्व स्तर पर महामारी फैली थी और काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था, तो व्यापारी वर्ग का इलाका होने की वजह से काफ़ी सारे मजदूर भी इस इलाके में रहते होंगे जो पर प्रांतीय होंगे, कहीं किसी और मुल्क से या किसी और शहर से आए होंगे, तो सर मैम ये बताइए कि उनके खाने पीने की किस तरीके से सुविधाएं की गई थी उस समय, जिस समय के कोई दुकानें नहीं खुली थी, खाने पीने का अभाव था, तो किस तरीके के इंतज़ाम आपके क्षेत्र में आपने किए थे? मेरे यहाँ पे ज़्यादातर उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा है, वहाँ पे हमने पूरा उनको 1 महीना चले सभी लोगों को जी। उतना हमने राशन भर के दिया था। फिर जब थोड़ा खुला लोगों को गांव जाने के लिए, जब भी सरकार ने परमिशन दी, तो उसके बाद उनके गांव जाने का, डॉक्टरों का सर्टिफिकेट लाने का, ये सारा भी इंतज़ाम किया। हालांकि हमने उनको कहा कि आप यहां पर रुकिए, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था भरपूर करेंगे। प्लस यहां पर मेरे यहां एक जैन भोजनालय, आर्देसर जैन भोजनालय, वो जैन भोजनालय ने फ्री में 67 डेज सुबह 2000 लोगों को और शाम को 2000 लोगों को दाल चावल सब्जी रोटी फ्री में खिलाया। और यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तान चैम्बर के लोगों ने भी सुबह खाना बांटने का काम, तो यहाँ के लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं आई कि खाने के लाले नहीं पड़े किसी के। यहाँ क्या, पूरे मुंबई में जिस तरीके से जैन संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ भी मैंने देखा बहुत सारी NGO ने काम किया, व्यापारी संगठनों ने काम किया, तो हर एक कोई मदद के लिए आता था। तो मेरे एरिया में, मेरे वार्ड में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। हम अच्छे घरों के लोगों के घर तक भी हमने अनाज पहुंचाया है, क्योंकि कोई लाने ले जाने वाला नहीं था, ओल्ड एज थी तो नीचे कैसे उतरे, तो हम उनको उनके घर तक सारा सामान पहुंचाते थे। मेरे कार्यकर्ता, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय रोड पे था, बाकी कोई नहीं था। बिल्कुल
रीटा मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस समय महामारी फैली थी, जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था, उस समय जब मृत्यु हो रही थी तो उनके अपने परिजन भी उन शवों को छूने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या आपके क्षेत्र में इस तरीके से कोई इंतज़ाम किए गए थे कि शवों को अंतिम संस्कार करवाना या जो बीमार हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना, क्योंकि एम्बुलेंस की भी काफ़ी सुविधाओं की कमी पड़ रही थी, तो इस तरीके का कुछ काम आपके क्षेत्र में आपने किया? बिल्कुल किया, और मुझे बताते हुए अभिमान हो रहा है कि मेरे ऐसे कई कार्यकर्ता है जो पांच माले से उतार कर, एक हमारा विक्रम गोयल करके कार्यकर्ता है, पांच माले से स्ट्रेचर पे उतार के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, कोरोना वाले को हॉस्पिटल पहुंचाया है जिनके घर वाले नहीं जाते थे। हमारे दाभोलकरवाड़ी में एक केस था, खुद की बेटी नहीं जा रही थी, वहाँ मेरे कार्यकर्ता ने जाके उनको उठा के एम्बुलेंस में बिठाया है। ऐसे कई काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बिल्कुल मैम, अंतिम संस्कार का जिस तरीके से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लाशों को जो परिजन भी उठाने तैयार नहीं थे, ले जाने तैयार नहीं थे, तो कई कई दिनों तक अस्पतालों में लाशें पड़ी रहती थी, तो ऐसी लाशों का जो है अंतिम संस्कार करने का भी कुछ प्रयास आपने किया? जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरे ही प्रभाग में इलेक्ट्रिक सिमेट्री है और ये श्मशान भी है, तो और ये अपना कब्रिस्तान भी है, तो फिर वो हिंदू या मुसलमान हो, सबका यहाँ पर दाह संस्कार होता था, लाइनें लगती थी यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम जाते थे। अगर समझो कि बहुत समय हो गया है, एक तो वो जो सिमेट्री है वो रिपेयरिंग में है और एक ही भट्टी चालू थी, तो इसके लिए काफ़ी तकलीफ हुई। फिर हमने कहा कि भाई आप और जगह भी लेके जाइए, सिर्फ एक ही जगह पे ये सारा मार नहीं हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, क्योंकि उस समय लकड़े में तो किसी को जलाते नहीं थे, इलेक्ट्रिक सिमेट्री में ही, और ये अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिमेट्री की कमतरता है, तो काफ़ी लाइन भी लगती थी, लेकिन वो दौर गुजर गया। मैम, जिस तरीके से आपने कहा वो दौर गुजर गया, अब दौर बदल चुका है, कहीं ना कहीं जनता को राहत मिली है कोरोना की महामारी से। मैम ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना काल ख़त्म होने के बाद में काफ़ी कम समय आप लोगों के पास बचा था, जो इलाके में जो डेवलपमेंट करनी हो या कुछ कार्य करना हो जनता के लिए, तो उन उतने समय के अंदर किस तरीके की चुनौतियाँ रही अपने कार्यों को, अपने फंड को इस्तेमाल करने के लिए? एक तो इस बार हमें सरकार की तरफ से, जो पहले की सरकार थी और जो महानगर पालिका में जो शासन में थी, उस सरकार ने हमारे पे बहुत अन्याय किया। हमारे क्षेत्र को बहुत ही कम फंड दिया गया, निधि जो देनी चाहिए थी वो दी नहीं, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह गए। लेकिन मुझे आशा है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठेगा तो कम से कम मैं अपने वार्ड को तो नंदनवन बना के रहूँगी। मैम, जैसे आपने कहा कि अपने वार्ड में, तो मैम किस तरीके का क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा था भाजपा के होने की वजह से, विरोधी पक्ष होने की वजह से, आप लोगों के साथ में फंड देने में या किसी किस्म का? आपका काफ़ी सारा कार्य होता है जो डायरेक्ट महानगर पालिका के भी आपसे होता है, तो ऐसी फाइलों को मूव करने में ये लोग समय लगा रहे थे, किस तरीके का आप लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल इसी तकलीफ को हमने सामना किया है। मैं आपको जिस सिमेट्री की बात कर रही हूँ, तो पिछले डेढ़ साल से उतना मंद गति से काम चल रहा था, कितनी बार हमने वक्स कमेटी में उसका मुद्दा उठाया, सेम इसी तरह हमारा एपी मार्केट का जो मुद्दा है उसको भी ये हल नहीं कर रहे थे, और एक ब्रिज का था, तो अभी ब्रिज तो हो गया लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो और हमारे यहाँ पे मेट्रो का भी काम चालू है, तो उस वजह से मेट्रो के लगते जो रोड है उस रोड को भी सुधारना, ये सब में बहुत ही ज़्यादा हमको मेहनत लेनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा फॉलोअप लेना पड़ता था, तभी हमारे काम होते थे। रीटा मकवाना जी, ये बताइए, आप जिस तरीके से आपको जनता ने बहुमत से चुन के दिया, मैम जनता की नज़र में महानगर पालिका में तो आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, मगर जनता की नज़र में आज भी आप नगर सेविका हो, जनता की नज़र में आज भी वो आपके पास उसी तरीके से समस्याएं लेकर आते हैं जैसे पहले लेकर आते थे, तो मैम उस समय में और इस समय में क्या अंतर है, कितनी चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ रही है किसी काम को करवाने में?
ज़्यादा तो तभी भी हमको चुनौती थी, अभी भी चुनौती है, लेकिन फिर भी काम होता है। सी बोर्ड के अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए, तो वो हम काम लेते हैं उनसे, और भले देर होती है लेकिन काम होता है। थोड़ा फॉलोअप लेना पड़ता है, क्योंकि नहीं है महानगर पालिका में भी सफिशियंट स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से भी काम में बहुत देरी होती है। आप मुंबई की जनसंख्या देखो, उसके मुकाबले महानगर पालिका की आप सुविधा देखो, उनका स्टाफ देखो, तो काफ़ी कम है। मैम, अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ने का, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ बदलाव अपने क्षेत्र में आप लाना चाहोगी? एक तो मेरा बहुत ही पुराना एरिया है, तो सबसे पहले जो जर्जरित इमारत है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पानी की, पीने के पानी की यहाँ पे बहुत ही समय कम है, तो वो समय बढ़ाया जाए, क्योंकि भगवान की दया से बारिश अच्छी हुई है, आगे भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हमेशा सी बोर्ड को पानी बहुत कम मिलता है, बहुत ही 50 मिनट ही पानी मिलता है जी। तो एक तो जो पानी की समस्या है वो मुझे यहाँ से दूर करनी है। स्वच्छता है, रोड है, ट्रैफिक है काफ़ी, अभी हमें बहुत ही कम समय मिला है ऐसा मैं समझूंगी कि मेरे एरिया में, लेकिन मैंने एक प्रामाणिक प्रयत्न किया कि लोगों को मैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूँ। मैम, अगर मैं बात करूं मुंबई महानगर पालिका की, जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, क्या जिस तरीके से कई सालों से जो है मुंबई महानगर पालिका पे शिवसेना की सत्ता काबिज थी, शिवसेना का मेयर रहता था, क्या इस बार वो बदलाव देखने मिलेगा? क्या महानगर पालिका के गुंबद पर जो है कमल का फूल खिलेगा, लगता है आपको? 100% इस बार महानगर पालिका के गुंबद पे कमल का फूल खिलेगा, और हमारे पहले जो था उनको आदेश देने की आदत थी, हमारे पक्ष में काम करने की प्रेरणा मिलती है, वो हमें प्रेरणा देते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें बहुत फ़र्क है। और 110% बीजेपी का गुंबद, बीजेपी का लोटस गुंबद पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये थी रीटा मकवाना जी, जो कि वार्ड नंबर 222 की नगर सेविका हैं भाजपा से। मेरा सवाल था कि उनके कार्यकाल में उन्हें क्या कुछ चुनौतियां फेस करनी पड़ी, तो उनका साफ कहना था जिस तरीके से महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता थी, उस सत्ता का उपयोग करते हुए शिवसेना के सत्ताधारियों ने कहीं ना कहीं भाजपा को जो है सौतेली नज़र से देखा, और फंड में या किसी किस्म की सुविधाओं में इलाके में देने के लिए उनके साथ में जो है उनकी कोताही की गई, जिसकी वजह से वो जनता तक सही मायने में उनको सुविधाएँ नहीं पहुँचा पाए। मेरा सवाल था कि जनता आज भी आपको नगर सेविका समझती है, जबकि महानगर पालिका की तरफ से आपका कार्यकाल संपन्न हो चुका है, तो उनका साफ कहना था कि जनता आज भी नगर सेविका समझती है, और मैं उनके लिए नगर सेविका हूं, और उनकी समस्याएं जैसे मैं पहले पूरी करती थी, आज भी उसका समाधान निकालने का कार्य मैं करती हूं। आखिरी मेरा सवाल था, क्या महानगर पालिका जिसपे के सालों से शिवसेना का भगवा झंडा फहराता आया है, क्या उस किले को भेदने में भाजपा कामयाब हो पाएगी? क्या इस बार महानगर पालिका में भाजपा का मेयर देखने को मिलेगा? तो रीता मकवाना जी का साफ कहना था कि इस बार भाजपा जो महानगर पालिका का गुंबद है उस पर जो है कमल का फूल खिलेगा, और इस बार जो है सत्ता भाजपा की महानगर पालिका में आएगी, और हम महासत्ता में आने के बाद में कार्य करके बताएंगे ज़मीनी स्तर पर कि किस तरीके से जनता के लिए कार्य किया जाता है। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।